शिक्षार्थियों एन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है जैसा कि आपने पिछले भाग में जाना उच्चतर माध्यमिक हिंदी पाठ्यक्रम परशुराम के उपदेश रामधारी से दिनकर पाठ के बारे में इस कविता की दो अंशों को हम पिछले अंश में जान चुके हैं तो आइए शिक्षार्थियों अब कविता के तीसरे अंश को समझते हैं कविता का तीसरा अंश इस प्रकार से है छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है मरता है जो एक ही बार मरता है तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो शिक्षार्थियों देखा आपने और एक कविता के कुछ अंश के माध्यम से मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अपने देश के लिए किस प्रकार से हमें अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटना चाहिए और वह डर अपने हृदय से निकाल देना चाहिए जिसे लोग मृत्यु के नाम से जानते हैं मरना तो निश्चित है और उस निश्चय को कोई बदल नहीं सकता तो रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरना और अपने देश के लिए प्राणों को बलिदान करना यह बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है कभी कहते हैं कि छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए किसी भी परिस्थिति में देश के सम्मान को झुकने नहीं देना है जो देश का शीश है वो हमेशा अपने सम्मान के साथ खड़ा रहे चाहे हमारे हम भारतीयों के हमारे सैनिकों के शीश कट जाए किसी भी स्थिति में हमें बुरी से बुरी स्थिति में भी हमें हार नहीं माननी है मैथिली गुप्त की एक पंक्ति के माध्यम से आपको यह बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी यह विचार कर लो कि हम सभी जो हैं मरणशील हैं और मृत्यु निश्चित है इसलिए मरने से नहीं डरना है पर यह ध्यान रखना है कि हमारी मृत्यु जो है वो सुमृत्यु हो वह जीवन ही क्या जिसमें हम वृथा जिए और वृथा मर गए ऐसे जीवन को धिक्कार है अपने देश के सम्मान के लिए सुरक्षा के लिए अपने जो जीवन की आहुति देना यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे यह जो शरीर है हमारा यह अनित्य है और आत्मा हमारी वो अनादि है तो इस अनादि जीव को तो कभी डरने की आवश्यकता नहीं है और हम इसी प्रकार से इस कविता में समझते हैं कि किसी भी हालत में अन्याय अनिति के समक्ष हमें नहीं झुकना है अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी है और इसके माध्यम से कवि जो है हमें अभिप्रेरित करते हैं उत्साहित करते हैं तो शिक्षार्थियों अब इसके अगले अंश को हम समझते हैं इस चौथे अंश में कवि कहते हैं स्वतंत्र जाति की लगन व्यक्ति की धुन है बाहरी वस्तु नहीं भीतरी गुण है नथ हुए बिना जो अशनि घात सहती है स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहोरे जो पड़े आन खुद ही सब आग सहोरे एक अंग्रेजी में बात कही गई है सर्वाइवर फॉर द फिटेस्ट जो शक्तिशाली है जो सक्षम है जिसमें क्षमताएं हैं वही सर्वाइव करता है वही जीवित रहता है जैसा आप जानते हैं कि कोई भी जाति पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी ग़ुलामी में नहीं रहना चाहता स्वतंत्रता सबको प्रिय है और यह हमारी भीतरी गुण है पशु पक्षी मनुष्य सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं किसी भी प्रकार की चोट खाने के बाद भी बुरी से बुरी क्षति होने के बाद भी हमें झुकना नहीं है और स्वाधीन अगर रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को प्रतिशोध के साथ और प्रतिकार के साथ जवाब देना होगा कवि आहत थे चीन और भारत के युद्ध से और यह बात उनकी पूरी पंक्तियों में हमें दिखती है किसी भी स्थिति में हमें पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए और इसके माध्यम से कवि ने यही बात यहाँ पर कहने का प्रयास किया है अपनी आन के लिए स्वयं को साबित करने के लिए हमें पराजय को स्वीकार नहीं करना चाहिए शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्ति के माध्यम से मैं आपको यह बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक पक्षी की भावना क्या होती है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे इस प्रकार से देखें कि उस कविता में भी इसी स्वतंत्रता के भाव को उजागर किया गया है जो कभी अपने इन इन पंक्तियों के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं शिक्षार्थियों कविता के अगले अंश में हम देखते हैं पांचवां अंश आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती हैं छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है बकड़ो आयाल अंधड़ पर उछाल चढ़ो रे किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ो रे शिक्षार्थियों हमें उमंग से भरे रहना है हमारी छाती सदैव तलवारों कटारों वर्छियों को सहने के लिए तैयार रहे डर के जीना वो जीवन किसी काम का नहीं है हमें खून के बदले खून ही लेना है ना कि अश्रु बहाना है व्यथित हो के हमें पश्चाताप नहीं करना है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रह सकता जहाँ खून के बदले अश्रु बहते हैं अर्थात हमें अपने देश को स्वाधीन सुरक्षित मजबूत बनाए रखने के लिए खून के बदले खून लेने वाली भावना को समझना होगा हम शेर के आयाल को पकड़ने की ताकत रखें अर्थात वीरता का परिचय दें हम यह जाने इन पंक्तियों में आयाल के लाक्षणिक प्रयोग द्वारा वह हमें वीरता और निर्भिकता के प्रदर्शन की ओर ध्यान देने को कहते हैं साथ में अंधड़ का जो लाक्षणिक प्रयोग है वो शत्रुओं के लिए किया गया है शिक्षार्थियों तूफानों से टकराओ सैलाबों पे वार करो कश्ती का चक्कर छोड़ो तैर कर दरिया पार करो ऐसी भावना के साथ हमें देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए इन्हीं भावों के साथ कवि विचारों को प्रकट करते हैं कविता के छठे अंश को हम देखते हैं स्वर में पावक यदि नहीं व्यथा वृंदन है वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है सिर पर जिसके असीघात रक्त चंदन है भ्रामरी उसी का करती अभिनंदन है दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं ऊंची मनुष्यता के पथ भी खुलते हैं वीर की वाणी में ओज हो गर्जन हो यह शोभा देती है वंदना विनम्रता यह शोभा नहीं देती कुछ अलग तरह से कुछ अलग बातों को यहाँ पर कवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जहाँ शिक्षार्थियों आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हमने विचार देखे हैं जहाँ विनम्रता की बात की जाती है वंदना की बात की जाती है और यहाँ कवि हमें पूरी तरह से अपने स्वर में ओझ भरने की बात कर रहा है और विनय करने की बात से बुरी तरह से अलग करता है वीर कभी भी विनय नहीं करता और ना ही विनय करने के साथ वह रोता है अर्थात जो परिस्थितियां थी उस समय देश के युद्ध में पराजय के बाद सभी देश में एक तरह से उदासी का माहौल था ऐसे में क्रंदन को छोड़कर हमें वीरता दिखानी होगी पुनः उठकर उस युद्ध में जीत के लिए आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेत कर रहा है कवि हमें वह वीर ही कैसा जिसके माथे पर तलवार के चोट के निशान न हो वह वीर ही कैसा जो चंदन के रूप में रक्त को अपने माथे से ना लगाए शिक्षार्थियों शक्ति की देवी भी उन्हीं का अभिनंदन करती है जो देश के लिए रक्त बहाते हैं दानवी रक्त से अर्थात शत्रुओं के रक्त से हमारे पाप धुलते हैं और ऊंची मनुष्यता के पथ भी खुलते हैं अर्थात ऊंची मनुष्यता के माध्यम से यहाँ अपने कर्तव्यों के माध्यम से अपने कर्मों के माध्यम से हम समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करें और अपनी ओजपूर्ण वाणी के माध्यम से हम अपनी वीरता क्षमता और शक्ति को प्रदर्शित करें तो आइए शिक्षार्थियों आपने सभी छः अंशों को ये समझा और अब इस कविता के भाव व शिल्प सौंदर्य को समझते हैं शिक्षार्थियों के बहुत से लाक्षणिक प्रयोग दिखते हैं जैसे सत्य का राख में सना होना जहाँ पर आपको जो लाक्षणिक प्रयोग था वह स्पष्ट किया गया जिसमें कि झूठ की राख किस प्रकार से सत्य की आग को छुपा देती है और बहुत ही सुंदर लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पर हमने देखा इसी प्रकार दूसरा हमने देखा बाहों की विवाह संभालना और तीसरे में देखें तो अगर चट्टानों की छाती से दूध निकालना चंद्रमा को पकड़कर निचोड़ना जैसे लाक्षणिक प्रयोग अद्भुत और प्रभावकारी लगते हैं यह कवि की भाषा की एक विशेषता है कि, कि किस प्रकार से दिनकर बहुत ही सुंदर ढंग से इन लाक्षिक प्रयोगों का इस कविता में प्रयोग करते हैं देश प्रेम की मूल भावना इस पूरी कविता में दिखती है आंधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती हैं छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है इन पंक्तियों के माध्यम से देश प्रेम की जो भावना है देश के प्रति उनके लगाव की बात है वह स्पष्ट होती है और दिखती है इसी प्रकार हम देखते हैं शिक्षार्थियों इस पूरी कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है ऋतु वर्जन विभा शिला जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें आप देख सकते हैं और कविता में एक लयात्मकता है गत्यात्मकता है और ओझ से पूरी तरह यह भरी हुई कवि कविता है और इस कविता के माध्यम से हम ये देखते हैं कि कवि की भाषा शैली क्या है तो शिक्षार्थियों इस कविता के माध्यम से आपने ओज और वीरता का जो भाव सीखा और उसे आत्मसात किया ये सबसे अहम बात है अन्याय व अत्याचार के विरोध में हमें आवाज़ उठाने की एक जो अभिप्रेरणा प्राप्त हुई और साथ ही इस कविता में जो इस कविता का काव्य सौंदर्य है जो अलंकार युक्त तो शैली है और उसके साथ लाक्षणिक प्रयोग जो किए गए हैं इसमें और प्रतीकों को के माध्यम से जो बातों को स्पष्ट किया गया है वह अत्यंत प्रभावकारी है अंत में शिक्षार्थियों हम कवि का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कवि राम धारी सिंह दिनकर जिनका जन्म 1908 में सिमरिया गांव में जिला मुंगेर में हुआ था और शिक्षा उन्होंने बीए तक की थी पटना विश्वविद्यालय से वे उन्नीस से उन्नीस तक राज्यसभा में रहे भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के रूप में उन्नीस से एक उन्नीस तक वो कार्यरत रहे और उनकी लगभग 50 से अधिक कृतियां जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं और छायावाद को माना जाता है कि उसके प्रभाव को काटने वाली शक्तियों में से दिनकर एक अहम व्यक्ति थे एक रचनाकार थे और उनके कुछ प्रमुख प्रबंध काव्य जो हैं कुरुक्षेत्र जो 1946 में प्रकाशित हुआ रश्मिरति और उर्वशी जो है 1961 में इस प्रकार इनकी लगभग सभी रचनाएं जो हैं वह लोगों में लोकप्रिय रही और प्रभाव डालती रही और एक राष्ट्र कवि के रूप में वह प्रख्यात हुए और ऐसे महान कवि का देहावसान उन्नीस सौ ईस्वी में हुआ तो शिक्षार्थियों आपने इस पूरे पाठ को समझने का प्रयास किया आशा करते हैं कि इसके सभी तत्वों को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे धन्यवाद